Hello students, the question is microtubules are the constituent of A. Centriole, spindle fiber and chromatin, B. Centrosome, nucleosome and centriole, C. Cilia, flagella and peroxisomes, D. Spindle fiber, centriole and cilia. So बच्चे microtubules क्या है, हमें यहाँ ये समझना होगा. Microtubules are the polymer of, they are the polymer of ट्यूबुलिन प्रोटीन. किसके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में पाए जाते हैं एंड दे आर अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन. किसका पार्ट है? साइटोस्केलेटन का पार्ट है यूकैरियोटिक सेल के. यूकैरियोटिक सेल के साइटोस्केलेटन का पार्ट है माइक्रोट्यूबुल्स एंड दे आर फाउंड इन स्पिंडल फाइबर्स. साइटोस्केलेटन में है तो कहाँ मिलेंगे? स्पिंडल फाइबर्स में मिलेंगे. दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रियोल, दे आर इन सेंट्रियोल एज वेल एज इन फ्लैजिला एंड सीलिया. दीज आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन. सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बचे पेरोक्सिसोम्स. नो, दे आर नॉट फाउंड इन पेरोक्सिसोम. न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स. सो नो. क्रोमेटिन मटीरियल is a part of DNA. It is a DNA, so they do not have microtubules. Spindle fibers have microtubules. Centriole and cilia have microtubules. So the correct answer here is option D. Thank you.